सागर जिले के राहतगढ़ में सुरभि विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसके चलते भाजपा ने अपनी सुरभि विधानसभा सीट पर मेहनत करना शुरू कर दी है। सुरभि विधानसभा क्षेत्र में आज ग्राम चंद्रापुर भाजपा सेक्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लगभग 150 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। वहीं ग्राम में भाजपा सेक्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 1 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही 1.5 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि शान से मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं किसी पार्टी में शामिल हुआ हूं जो गरीबों की पार्टी है, उस पार्टी में शामिल हुआ हूं जो विकास करने वाली पार्टी है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बंसाराम जी, अर्जुन भाई, प्रदीप भाई, हमारे पप्पू तिवारी जी, हमारे गोविंद सिंह पटियाला जी, महेंद्र भाई और सभी अपने नाम भी सही करके बड़ी भाइयों, जिला के आसपास से आए हुए सभी ग्राम के वरिष्ठ नागरिकगण, वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्तागण, मंच पर विराजमान हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सिरोडिया जी, हमारे लगातार 5 बार सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, जिनकी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बातें आप लोगों ने सुनी, डाकुओं की बातें आप लोग भूल ही गए, इन्हें याद दिलाई नहीं दिलाई, हरी सिंह भी हद, पूजा पप्पा भी हद, अब नई पीढ़ी को ने पूजा पप्पा याद है, हरी सिंह याद है, पुराने लोगों को सब याद है। तो उन्होंने अपने अच्छे अनुभव सुनाए। पार्टी ने कहा कि 75 साल के हो गए तुम्हें टिकट नहीं दे रहे, कहूँ से 75 के ध्यान रहे, पार्टी समझ नहीं पाई, नुकसान खा गई, लेकिन उससे कांग्रेस को उस समय फायदा हो गया, लेकिन हम लोग फिर कुछ मंगे जी को सम्मान सहित भाजपा में वापस लाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे सामने जो उपचुनाव सुरभि विधानसभा क्षेत्र का है, और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से प्रत्याशी के तौर पर हम सभी के बीच में गोविंद सिंह जी राजपूत जी ही है, ये हम सभी को जानकारी भी है और हम सभी को पता भी है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपसे कोई चुनावी सभा नहीं है, कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये आपके परिवार का और गोविंद सिंह जी राजपूत जी के परिवार का ये चुनाव, इसलिए भी मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा चुनाव या कठिन चुनाव है, क्योंकि मैंने देखा है पूरे सुरभि विधानसभा क्षेत्र में परिवार की तरह आप सभी गोविंद सिंह जी राजपूत जी के परिवार को मानते हैं, एक एक घर, एक एक परिवार उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ जो कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित है कि निश्चित रूप से चंद्रापुर सेक्टर से पूरी विधानसभा क्षेत्र में ये चंद्रापुर सेक्टर सबसे बड़ी जीत के साथ गोविंद सिंह राजपूत जी को यहाँ से छुटा के भेजेगा, ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी को आप पर है। आप सभी को पूरी जानकारी है कि ये उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है। सुरभि विधानसभा क्षेत्र का जो 1.25 साल में विकास का पहिया कांग्रेस की सरकार में रुका हुआ था, आदरणीय मंत्री जी ने बार बार मुख्यमंत्री जी कमलनाथ उस समय हुआ करते थे उनके बीच में जाकर जब चंद्रापुर की जिला की यहाँ के आसपास के राहतगढ़ की समस्याओं को जाके बताते थे, तो यहाँ के जो पूर्व भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, थोड़ा आवाज लगाना पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी चंद्रापुर ग्राम के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे आसपास के ग्रामों के पधारे, हमारे सेक्टर के राजमान आपके अपने क्षेत्र के नाले विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सबके बीच में है, ऐसे परम आदरणीय गोविंद राजपूत जी पूरे जिले की मेरे सामने होने के बाद
सूर्य विधानसभा क्षेत्र को विकास की रफ्तार तेज हुई है और मुझे 3-3.5 महीने भाजपा में आए हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने कहकर करीब 250 करोड़ रुपये के काम मुझे स्वीकृत कराए हैं। आज भी जिला में 1,14,00,000 रुपया की नल जल योजना स्वीकृत की है, 50 लाख का मंगल भवन शादीगृह स्वीकृत किया है, इसके पहले भी करीब 1 करोड़ रुपये काम पहले स्वीकृत किए हैं। तो क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क चल रहा है, इसके साथ साथ सेक्टरों की हमारी मीटिंग भी थी, क्योंकि अब चुनाव सामने हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता अपना पूरी कमर कस के पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव उतरने को तैयार है। देखिए, कांग्रेस शासन काल में 51,000 रुपया की राशि घोषणा की थी बच्चियों की शादी के लिए, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिली। यहाँ तक कि कई जगह तो हमने देखा कि बच्चियों की शादी हुई और बच्चियों की शादी के बाद उनके द्वारा बच्ची हो गई, लेकिन 51,000 रुपये के लिए आज भटक रहे हैं। इसलिए भाजपा का कहना है कि हम झूठी घोषणा नहीं करेंगे, जो हमारा पैसा था वही पैसा मिलेगा, इस बात का अभी पुख्ता सबूत नहीं है। ये मंत्री ने कहा है, मंत्री जी ने अभी कहा कि हम ऐसा करेंगे, जिस दिन घोषणा होगी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद क्या होगी। राम की पार्टी में आ गए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं राम भक्त की पार्टी में हूँ। तो पहले मतलब भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाले लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। कांग्रेस ने राम मंदिर के नाम पर ढोंग किया, कांग्रेस आत्मा से कभी भी राम मंदिर बनवाने के पक्ष में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।